रहा हूँ कि मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं है, दो घंटा हो गया जी और कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। मेरा दीदी के बताओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मैं मर जाऊंगा भाई। दो घंटा हो गया, कोई हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं है, पूरा ब्लड मेरे शरीर से निकल गया और मैं 5-10 मिनट में मर जाऊंगा भाई, मेरे बचा लो मेरे को। मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे बता रहा हूँ, गृह मंत्री से मेरे को बचा लो भाई, मेरा डीजीपी मुझे बचा लो, मेरा छोटा छोटा बच्चा है रे भाई। कोई डॉक्टर दो घंटा से मेरे पास नहीं आया, मैं चिल्ला रहा हूँ। आखिर घटना हुई थी? अरे बाप रे, आईडी ब्लास्ट हुआ, आईडी हाँ, मैं मर जाऊंगा भाई। मेरे बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं है, दो घंटा हो गया जी और कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, मेरा डीजी के बताओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मैं मर जाऊंगा भाई। दो घंटा हो गया, कोई हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं है, पूरा ब्लड मेरे शरीर से निकल गया और मैं 5-10 मिनट में मर जाऊंगा भाई, मेरे बचा लो मेरे को। मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे बता रहा हूँ, गृह मंत्री से मेरे को बचा लो भाई, मेरा डीजीपी मुझे बचा लो, मेरा छोटा छोटा बच्चा है रे भाई। कोई डॉक्टर दो घंटा से मेरे तो ये थी डिप्टी कमांडेंट इंद्रजीत सिंह की वो आखिरी आवाज। कमांडेंट इंद्रजीत आज प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गए। वो घायल अवस्था में 2 घंटे तक तड़पते रहे, इलाज की गुहार लगाते रहे और आखिरकार स्त्रिया को मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे बता रहा हूँ, गृह मंत्री से मेरे को बचा लो भाई, मेरा डीजीपी मुझे बचा लो, मेरा छोटा छोटा बच्चा है रे भाई। कोई डॉक्टर दो घंटा से मेरे पास नहीं आया, मैं चिल्ला रहा हूँ। आखिर घटना हुई थी? अरे बाप रे, आईडी ब्लास्ट हुआ, आईडी हाँ, मैं मर जाऊंगा भाई। मेरे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे